नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे महतारी वंदन योजना का जो 10वां इंस्टॉलमेंट है वो आखिर में 5 तारीख हो गया क्यों नहीं मिला है। बहुत सारे माताएं बहने हमारे चैनल पे कमेंट किए थे और बहुत सारे भाइयों ने भी कॉमेंट किया था कि महतारी वंदन योजना का जो 10वां इंस्टॉलमेंट है, 10वां किस्त है, वो हमारे खाते में अभी तक नहीं आया है। तो आखिर में क्यों नहीं आया है, किस वजह से नहीं आया है, क्यों नहीं आ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। और आखिर में कब तक आएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है कंप्लीट जरूर देखना। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताते हैं कि महतारी वंदन योजना का जो 10वां इंस्टॉलमेंट है आखिर में क्यों नहीं आया है। ठीक है, क्यों नहीं आया है, देखिए सभी को जो है यहाँ पर जो है 2 तारीख को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन 3 तारीख को क्या हुआ था कि जो है बटन दबा के जारी किया गया था। ये समझ में नहीं आया मेरा कि पैसा तो 2 तारीख को जारी हो गया था हमारे अकाउंट में, 2 तारीख को आ गया था हमारे कहने का मतलब, तो हमारे घर वाले के अकाउंट में 2 तारीख को आ गया था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने महतारी वंदन योजना की जो वेबसाइट है उस पर चेक किया तो वहां तो पता नहीं चल पड़ा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दें महतारी वंदन योजना का जो पैसा है हमने जो है फोन पे के माध्यम से जो है चेक किया, तो यहाँ पर 2 तारीख को जो है हमें करीबन 1-1.5 बजे के आसपास हमने चेक किया तो वहां पता चला कि हमारे खाते में पैसा आ चुका है 2 तारीख को। लेकिन जो है 3 तारीख को बटन दबा के जो है जारी किया गया, ऐसे न्यूज में मिला है, समाचार मिला है हमें। तो यहाँ पर जो महतारी वंदन योजना का जो पैसा है 2 ही तारीख को जारी करना स्टार्ट हो गया था। 1 तारीख को संडे था, आप सभी लोग बता गए रविवार था तो उस दिन जारी नहीं हुआ था, लेकिन 2 तारीख को जो है पैसा आना चालू हो गया था, लेकिन 3 तारीख को बटन दबा के जो है सभी को भेजा गया, ऐसा करके जो है न्यूज के माध्यम से हमें जानकारी मिली। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर महतारी वंदन योजना का जो पैसा है बहुत सारे माताएं बहने के खाते में नहीं आया है। तो बहुत सारे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि महतारी वंदन योजना का जो पैसा है कौन कौन से जिले में नहीं आया है बोलकर मैंने कमेंट किया था, मतलब कमेंट करने वालों को दोस्तों यहाँ पर एक सवाल किया था, तो कमेंट बहुत सारा आया था कि हमें जो है नहीं मिला है, रायगढ़ से नहीं मिला है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से नहीं मिला है, रायपुर से नहीं मिला है, महासमुंद से नहीं मिला है, जसपुर से नहीं मिला है, धमतरी से नहीं मिला है, राजनांदगांव से, बहुत सारे जिले से नहीं मिला है बोल के जो है कमेंट भर भर के आ रहे थे। तो चलो सोचा कि जो है यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे दूं कि महतारी वंदन योजना का जो पैसा है 3 तारीख को 2 तारीख को जारी कर दिया गया था, 2 और 3 को जारी किया गया था, मतलब 2 तारीख को तो पैसा आना स्टार्ट हो गया था लेकिन 3 तारीख को बटन दबा के जारी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर महतारी वंदन योजना का जो पैसा है आपके खाते में अभी तक क्यों नहीं आया है, ये सबसे बड़ी मेन बात है। ठीक है, तो आपके खाते में क्यों नहीं आया, पिछली बार तो पैसा आया था। एक भाई ने और कॉमेंट किया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, उसको मैं बता दूं यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 महीने का पैसा है वो जो है नहीं आ रहा है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 माह हो गया हमारा पैसा नहीं आ रहा बोलके कमेंट किया था। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपने बोला था पैन कार्ड दिए थे, आधार कार्ड दिए थे, राशन कार्ड दिए थे, सब कुछ जमा कर दिए, फिर भी नहीं आ रहा है, कंप्लेन भी कर दिए फिर भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा अगर कॉमेंट आया था। ठीक है, उन भाई का कॉमेंट अभी शो नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं जो है अभी फिलहाल जो है आप लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पर वेबसाइट पे घुसा हुआ हूँ। और आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो कमेंट किए थे भाई, जो कमेंट किए थे भाई है बहन है। ठीक है, तो जो है मेरे को लगा कि भाई है, ऐसे जो नाम पढ़ा तो भाई लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनका जो घर वाली होगी या बहन होगी या माता होगी जो भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पैन कार्ड आधार कार्ड और जो सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए थे और कंप्लेन भी साथ में कर दिए हैं, फिर भी उनका पैसा जो है नहीं आ रहा है। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर महतारी वंदन योजना की साइट पे आपने कंप्लेन किया है लेकिन यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप जो है जन शिकायत में एक बार कंप्लेन कीजिएगा। ठीक है, जन शिकायत में एक बार कंप्लेन कीजिएगा ताकि जो शिकायत है वो आगे बढ़े। ठीक है, आपका जो परेशानी है, आपको जो समस्या है, पैसा आपको मिलना चाहिए, आप जो है एक जो है पात्र हितग्राही हैं तो आपको पैसा मिलना चाहिए, तो आप जो है जन शिकायत में भी एक बार शिकायत कर लें। जन शिकायत में कैसे शिकायत करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में इंडस्क्रीन में देने की कोशिश करेंगे, वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे जाएंगे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा किस प्रकार से शिकायत किया जाता है। अगर नहीं जानते हैं, जानते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं, आप जन शिकायत से डायरेक्ट जो है शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार जन शिकायत में जो है शिकायत कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर महतारी वंदन योजना के 10वां इंस्टॉलमेंट बहुत सारे माताएं बहनों को नहीं मिल पाया है, तो आखिर में क्यों नहीं मिल पाया है। तो बताए यहाँ पर महतारी वंदन योजना के पैसा है जो है एक साथ डालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कहने वाला साफ है कि यहाँ पर जब महतारी वंदन योजना की जो पैसा है, आपको साफ बता दें महतारी वंदन का पैसा है, मान लो बाद एक खाता में डालना है। ठीक है, मान लो बाद आपको एक काम दिया जाए। ठीक है, एक काम दिया जाए। ठीक है, कि आपको जो है 10 मान लो हमें जैसे कि यहाँ पर बता दू, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो ठीक है एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो के बाद आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो बाद आप जो है अपने खेत में काम कराने के लिए 10 लोगों का
दस लोगों को काम के लिए लिए थे, ठीक है, और दस लोगों को काम कराने लिए थे, और दस लोग जो है आपके खेत में या आपके घर में आपके जो है बाड़ी में जो भी है उसमें जो है काम किए पांच दिन, ठीक है, पांच दिन काम किए दस लोग, ठीक है, दस लोग पांच दिन काम किए। अब पांच दिन काम किए तो उनका हिसाब बना के आपने रख लिया कि एक आदमी का इतना बनेगा, ठीक है, इतना बनेगा आपने हिसाब करके रख लिया, ठीक है, हिसाब करके रख लिया। अब जो है इनको देना, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल तौर पर देता हूँ, मान लो अगर दस लोग थे और पांच दिन काम किए तो जो है हर एक को कितना कितना रुपया आएगा, मान लो एक एक हजार रुपया आएगा, ठीक है, एक हजार रुपये आप जो है उनको एक साथ थोड़े दे दोगे, ठीक है, मान लो के बाद कोई रहता है तो एक साथ दोगे, दस लोगों को एक साथ दोगे। जैसे आप जो है यहाँ पर बता दूं, दस लोग हैं, दस लोगों को पांच दिन काम किए तो उनको जो है कितना दोगे, मान लो एक एक हजार रुपये देना है आपको, ठीक है, एक एक हजार रुपये देना है तो एक साथ दोगे तो फिर भी बनेगा, एक साथ दोगे फिर भी बनेगा, लेकिन बारी बारी से देना है आपको, बारी बारी से देना है, तो दस लोगों को देने में कम से कम आपको एक एक हजार रुपए दोगे तो जो है क्या होगा कि दस मिनट टाइम तो लगेगा, एक एक मिनट में आपको जो दोगे तो गिनोगे फिर दोगे, इसी प्रकार से जो है बारी बारी से दोगे ना, तो इसी प्रकार से आपका महतारी वंदन योजना का पैसा है जो बारी बारी से अकाउंट के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से या बता दें जिले के हिसाब से, ये जो है बारी बारी से सभी खाते में आ रहा है, ठीक है, बारी बारी से आ रहा है, मतलब एक एक करके आ रहा है, एक एक करके आ रहा है, तो लेट लग रहा है, इसी कारण से लेट लग रहा है, ठीक है, मतलब एक साथ तो पॉसिबल नहीं है कि जो है एक साथ डाला जाए, ठीक है, एक साथ डाला जाए पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है, तो बारी बारी सभी खाते में आ रहा है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपका भाई पैसा मिलेगा, आपके अकाउंट पे आएगा, अगर आपके खाता में आधार कार्ड में गड़बड़ी रहा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आपका सब कुछ सही है तो आपका पैसा 101% आएगा, ठीक है, और दो तीन दिन इंतजार कर लीजिएगा, और जो इंतजार करने के बाद आपका पैसा नहीं आता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जो है उसके लिए उपाय बताएंगे। फिलहाल तो उपाय बताए हुए हैं, पहले भी उपाय बताए हैं, फर्स्ट किस्त जारी हुआ था उस समय उपाय बताए थे, सेकंड किस्त जारी हुआ था उस समय उपाय बताए थे, हमेशा आप लोगों को उपाय बताए रहते हैं, जानकारी बताते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग एक बार इंतजार कर लीजिएगा, एक सप्ताह जो है अभी और दो तीन दिन इंतजार कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जन शिकायत में या महतारी वंदन योजना की साइड पे यहाँ पर शिकायत कर देना, यहाँ पर दिया गया शिकायत करने का संपर्क दिया गया है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मुख्य पृष्ठ दिया है, आवेदन की स्थिति देखे, यहाँ पर अंतिम सूची, निराकरण, त्याग, मृत्यु दर्ज, शपथ पत्र, छत्तीसगढ़ आदेश, संपर्क, इस संपर्क में क्लिक करके आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, शिकायत का भी ऑप्शन को हटा दिया गया है, फिलहाल ऑप्शन तो था लेकिन हटा दिया गया, ठीक है, यहाँ से भी आप जो है शिकायत कर सकते हैं फिलहाल तो, ठीक है, यहाँ से भी शिकायत कर सकते हैं और जो है आप जन शिकायत भी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है, मोबाइल नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, तो फिलहाल इंतजार कीजिए, दो तीन इंतजार कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ जन शिकायत कीजिएगा और जो है हो सके तो यहाँ महतारी वंदन योजना के साइट पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पर भी आप जो है जानकारी ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों शेयर करना, अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।